और दिल्ली में लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सहीराम पहलवान भी नामांकन फाइल करने वाले हैं। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है सहीराम पहलवान और वो अपना नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं सहीराम पहलवान। उनका मुकाबला है रामवीर सिंह भिदुड़ी से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि रामवीर सिंह भिदुड़ी विधायक भी है। ऐसे में देखिए ये साउथ दिल्ली सीट जिससे रामवीर सिंह भिदुड़ी और सहीराम पहलवान जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं उस पर 2014-2019 बीजेपी ने जीत दर्ज करी है और इस बार फिर से गुर्जर वर्सेस गुर्जर ये यहां पर फाइट जो है वो देखी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं लाइव। सीधे बलराम का रुख करेंगे। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे सहीराम पहलवान। बलराम, कब तक नॉमिनेशन वो अपना फाइल कर सकते हैं, इस सीट पर किस तरह की फाइट देखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से शानदार जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में जो समीकरण है वो कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो बीजेपी की तरफ से सांसद थे उनका टिकट काट करके रामवीर सिंह भिदुड़ी को टिकट दिया गया है जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से सहीराम पहलवान को चुनाव मैदान में उतारा है और सहीराम पहलवान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक हैं और आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। हालांकि उनके नॉमिनेशन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में जो आशीर्वाद यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच करके अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके नॉमिनेशन को लेकर के यहां पर तैयारी की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी का झंडा और बैनर ही नज़र आएगा। धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि गठबंधन के तहत सहीराम पहलवान प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, किस तरीके से आज उनका नॉमिनेशन फाइल होगा और कितनी खुशी कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है जो यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सहीराम पहलवान आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल होगा? तकरीबन 10:30 बजे करीब नॉमिनेशन फाइल होगा और सभी लोग जितने भी हैं जो हमारी टीम के कार्यकर्ता सब साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह भिदुड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है, उनके सामने सहीराम पहलवान गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो कितनी टक्कर देख रहे हैं आप, कितनी मजबूती देख रहे हैं अपने प्रत्याशी की? सहीराम पहलवान जी 101% जीत के कगार पे, पूरी जनता सहीराम पहलवान जी के साथ है, जितने गरीब तबका के लोग हैं वो सारे पहलवान जी के साथ में हैं। तो यानी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जो गरीब तबका है जो मिडिल क्लास है वो सहीराम पहलवान के साथ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं और लगातार उनकी यही कोशिश है कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो। और आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है वो आपको नजर आ रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा आगे आकर के दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ ही देर में जो इनका आशीर्वाद यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी नॉमिनेशन के लिए और उसके बाद जगह जगह इस आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया जाएगा, सहीराम पहलवान का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि इस नॉमिनेशन में वो भी शामिल हों और एक कहा जाए शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये दिखाने की कोशिश भी होगी कि किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सहीराम पहलवान के साथ खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जो
ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। और आप देख सकते हैं एक अद्भुत तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि जेल का जवाब वोट से और चौधरी सही राम पहलवान, यानी इस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर इकट्ठा हैं, उससे स्पष्ट है कि कुछ ही देर में जो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसके लिए सही राम पहलवान जाएंगे। जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं रामवीर सिंह बुधुड़ी की और सही राम पहलवान के बीच। टक्कर नहीं है, सातों सीटों पे इंडिया गठबंधन सातों सीट दिल्ली में जीत रहा है, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो 2014 में बीजेपी शानदार जीत दर्ज कर चुकी है, 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है, तो 2024 में कैसे समीकरण बदल जाएंगे? लोग इनकी तानाशाही देख रहे हैं। जब दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी ने इतना काम किया उसके बाद आज उनको झूठे केस में जेल में डाल रखा है, लोगों में बहुत आक्रोश है और वो जेल का जवाब वोट से देंगे। यानी जेल का जवाब वोट से देंगे ये कहना है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है, जेल का जवाब वोट से देंगे हम भी और हमारी जनता भी। ये आने वाले 4 तारीख को पता चल जाएगा जून में। आज सही राम पहलवान जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल होगा? 10-11 बज जाएंगे, यहाँ से निकलते निकलते काफी लंबा रूट है, बहुत सारी पब्लिक है साथ में, सबको साथ लेके चलेंगे। गठबंधन के तहत सही राम पहलवान इस बार कैंडिडेट हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है? हाँ जी, कांग्रेस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और पूरी जनता का सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम, क्योंकि वो दौर अलग था जब वो जीते, ये दौर अलग है, जेल का जवाब वोट से। यानी दौर बदल चुका है? बिल्कुल, दौर बदल चुका जी, जनता समझ चुकी है क्या है, जितना टोकरी में आना था वो आ गया, अब टोकरी से बाहर गिर रहा है, तो जनता समझ चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो जनता है वो साफ तौर से कह रही है कि अब परिवर्तन की जो लहर है वो चल चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं नॉमिनेशन को लेकर के, उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा, क्या कहेंगे आप लोग भी नॉमिनेशन में इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं? नॉमिनेशन बहुत ही शानदार होगा और हम सब मिलकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जनता जेल का जवाब वोट से देगी। 4 तारीख को सही राम पहलवान जी विजय होके आएंगे। तो यानी आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार सही राम पहलवान इतिहास रचेंगे? बिल्कुल, सही राम पहलवान जी 1 लाख वोटों जीतने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियां दिल्ली के अंदर बनी हुई हैं, उसको लेकर के सही राम पहलवान इस बार चुनाव जीतेंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि सही राम पहलवान का जो नॉमिनेशन है वो शानदार तरीके से कराया जाए। और देखिए किस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्या कहेंगे, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं सही राम पहलवान जी? नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे भी। पहलवान जी का जो कार्य क्षेत्र के अंदर तुकलकाबाद विधानसभा में बहुत ही सराहनीय कार्य है, ऐसा कार्य इस विधानसभा में किसी भी विधायक ने नहीं करा, जब से विधायक जी आए हैं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं कि पहला जो पुल था जिसके अंदर 20 सालों से पानी भर रहा था, उस पुल को किसी ने ठीक नहीं कराया, उस पुल को किसी ने ठीक नहीं कराया, लेकिन विधायक श्री सहीराम पहलवान जी ने उसे बिल्कुल ठीक करा दिया और आज उस बारिश के अंदर उसमें पानी नहीं भरता है। कई ऐसे क्षेत्र के विकास है जो विधायक श्री सहीराम पहलवान जी ने कराए, इसलिए पार्टी ने एक अच्छा फैसला लिया और विधायक श्री सहीराम पहलवान जी को सांसद का प्रत्याशी बनाया। चलिए आप देख सकते हैं जो क्षेत्रीय काम है उसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसीलिए लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर। देखो भाई साहब, सांसद तो बन के रहेंगे इसलिए के काम किया है, जो काम करता है वो बनता है, उस लायक होता है। जो तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर जितना सही राम पहलवान जी ने काम किया है उतना ना कभी कोई कर पाया है और न कर पाएगा, और लोकसभा का टिकट मिली है और बन के रहेंगे सांसद, जो बात है। तो यानी देखिए ये है कि आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने 6 सांसदों के टिकट काटे दिल्ली के अंदर, क्यों काटे, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य ही नहीं करा। एक को क्यों टिकट दिया गया, क्योंकि उसने मोदी जी की नाम के बगल में लगाकर फोटो पूजा करी। और भी कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉमिनेशन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कुछ ही देर में
जो आशीर्वाद यात्रा है वो यहाँ से निकाली जाए और उसके बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल बाजे नगाड़े यहाँ पर मंगाए गए हैं ताकि जो नॉमिनेशन है वो शानदार तरीके से किया जाए। और आप देखिए कि यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो नॉमिनेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके साथ जल्द से जल्द जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। पहुंचे हुए हैं वो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से सही राम पहलवान ने अपने विधायकी में काम किया है उससे एक उम्मीद है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो वो अपने क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो दोनों के कार्यकर्ता यहाँ मिल करके इनके नॉमिनेशन में शामिल होने आए हैं और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये लग रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर आप देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो नाचते और झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे बात करें और जाने कि आखिरकार दक्षिणी दिल्ली में किस तरीके का माहौल है और दिल्ली की जनता क्या चाहती है इस बार, क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी लेकिन इस बार दिल्ली की जनता का मानना है कि विकास पर वोट होगा, काम पर वोट होगा और जो दिल्ली का विकास करेगा उसी को हम चुनेंगे। और इसी तरीके की तस्वीरें नॉमिनेशन में देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये रथ तैयार किया गया है और इसी रथ के जरिए जो सही राम पहलवान है वो नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और इस रथ को आप देखिए किस तरीके से तैयार किया गया है और इसी रथ पर कुछ ही देर में सही राम पहलवान आपको नजर आएंगे बैठे हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये रथ तैयार किया गया है सही राम पहलवान के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रथ तैयार किया गया है और जो स्लोगन है आम आदमी पार्टी का कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो वो स्लोगन भी आप देखिए जगह जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। पूरे रथ को तैयार किया गया है और इसी रथ के जरिए सही राम पहलवान नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। तो कोशिश यही है कि एक भव्य आशीर्वाद यात्रा निकाली जाए और ये दिखाया जाए कि सही राम पहलवान के साथ दिल्ली की जनता किस तरीके से खड़ी हुई है और किस तरीके से उन्होंने एक भव्य जुलूस निकाल कर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्रीय जनता है वो सही राम पहलवान के साथ खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इसी तरीके की तस्वीरें आगे भी देखने को मिले ताकि जो दिल्ली की जनता है वो जान सके और समझ सके कि आम आदमी पार्टी के साथ जो दिल्ली की जनता है वो खड़ी हुई। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता का सपोर्ट लेने के लिए उनके द्वार पर जा रही है, उनसे अपनी बात को रख करके समर्थन की मांग कर रही है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं वो चुनाव तक बरकरार रहें और कोशिश यही है कि जन समर्थन ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि चुनाव में एक शानदार जीत दर्ज की जाए। जी बिल्कुल बलराम, और आशीर्वाद यात्रा तो यहाँ आम आदमी पार्टी निकाल रही है। अब ये देखना होगा 4 जून को क्लियर हो जाएगा जनता आशीर्वाद देती है या नहीं देती है, किसको आशीर्वाद देती है। आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया बलराम आपका इन सारी जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों के लिए।